Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम Gaura Haribo, Gaura Haribo, Gaura Haribo.
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह गौर हरि बोल 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 जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिता जय गौरनिता जय नरसिंह दे नरसिंह दे नरसिंह दे जय नरसिंह दे जय नरसिंह दे नरसिंह दे नरसिंह दे जय नरसिंह दे गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल सीताई बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरे राम
वैष्णव वृंद की नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ओम अज्ञानतिमिरंधस्य हरे कृष्णा। आज हमारा परम सौभाग्य है इस ग्रेस राजेशम, आप सबको मालूम है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स राजेशम हमारे माता पिता, जैसे कि हमको प्रभु जी ने भक्ति में लाया है,
तो प्रभु जी तो अभी तो यहाँ राधा कुंदरी मंदिर NVCC के टेम्पल प्रसन्न प्रभु जी है, और पूरे विश्व में, अमेरिका में, फिर बांग्लादेश में, भारत में, अलग अलग कानपुर में, दिल्ली में, अलग अलग जगह प्रसार करते हैं। तो आज हमारा बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी कि आज प्रभु जी एक फेस्टिवल के दिन आए, भाई बहुत सालों के बाद प्रभु जी यहाँ आए, तो हमारा परम सौभाग्य है। तो प्रभु जी को हम बहुत हृदय से एक बार धन्यवाद देंगे, जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इस राधे श्याम प्रभु की जय। गौर भक्तवृंद की जय। ओम ज्ञानतमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्वन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साप्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च सितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया करके आगे आ जाइए, बहुत सारे भक्त लोग पीछे खड़े हैं। हरे कृष्णा। आज के नरसिंह चतुर्दशी के पावन दिन के उत्सव में भाग लेने के लिए आए हुए सम्मिलित सब भक्तों के शिष्यों में हम सादर दंडवत प्रणाम अर्पित करते हैं। इसी समय ये सायंकाल में भगवान नरसिंहदेव अवतरित होते हैं, इसलिए क्योंकि आज के ही दिन भगवान अवतरित हुए, इनकी कथा की चर्चा बहुत मंगलमय है। शास्त्र बताते हैं भगवान हरि, उनके संबंध में अनेक नाम लिए गए हैं शास्त्र में। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा, सर्वात्मा का मतलब हर जीव के हृदय में वही भगवान
कृष्ण विष्णु के रूप में विराजमान है, अंतर्यामी के रूप में सर्वात्मा, हर जीव के निकट उनके जीव के एक सूरत बनकर भगवान इस दुनिया में जीव को मार्गदर्शन देते हैं। भगवान का मतलब षडैश्वर्य पूर्ण परम सत्य भगवान श्री कृष्ण, जो सबसे खूबसूरत हैं, सबसे धनी हैं, सबसे बुद्धिमान हैं, सबसे यशस्वी हैं, सब इस तरह सब धन और दौलत के स्वामी हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं, वैराग्य के भी वही स्रोत्र हैं। इस तरह षडैश्वर्य पूर्ण कृष्ण को भगवान नाम से संबोधित किया जाता है। ईश्वर का मतलब है परम ईश्वर, परम नियंत्रणकर्ता, और उनका नाम भी है हरि, सर्व अमंगल हरे इति हरि, सब तरह के अमंगलता को मिटाने वाले भगवान हरि। तो वो इस दुनिया में अलग अलग अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं, जैसे मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह, इसे विविध रूपों में भगवान क्यों अवतरित होते हैं, अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए और असुर को वध करने के लिए, असुरों को धर्म को स्थापन करने के लिए अवतरित होते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद वाले। इसके बारे में आप भगवद गीता के 16वें अध्याय में आप पढ़ेंगे। तो दैवी संपद को पकड़कर चलने वाले, जैसे वेद पुराण गीता भागवत इत्यादि शास्त्रों को पढ़कर, जो भगवान का ही वाणी है उसको पढ़कर ये लोग समझ जाते हैं कि भगवान के दो शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति। अभी अंतरंग शक्ति आध्यात्मिक है, बहिरंग शक्ति ये भौतिक दुनिया है। ये दोनों में फ़र्क क्या है? अंतरंग शक्ति में किसी भी तरह का दुख नहीं है, उधर सब जीव शाश्वत हैं, बुढ़ापा नहीं है, व्याधि नहीं है, मृत्यु नहीं है, इस तरह का धूप भी कड़ी नहीं है उधर। लेकिन बहिरंग शक्ति में विविध तरह का यातनाओं को हमें सामना करना पड़ता है। इसका कारण, मूल कारण क्या है? अंतरंग शक्ति, श्रीमती राधा रानी को अंतरंग शक्ति बोलते हैं, दुर्गा देवी को बहिरंग शक्ति बोलते हैं। सो दुर्गा और शिव और दुर्गा ये भौतिक दुनिया के स्वामी स्वामिनी हैं, बहिरंग शक्ति, और अंतरंग शक्ति राधा और कृष्ण गोलोक धाम के स्वामी स्वामिनी हैं। क्यों अंतरंग शक्ति में किसी भी तरह का दुख नहीं है? कारण क्या है? सब जीव भगवान के सुर में सुर मिलाकर प्रेम से, प्रेमा भक्ति में जुड़कर, भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर बहुत परम आनंद के साथ एक दूसरे को आदर देते हुए प्रेम से जीते हैं अंतरंगा शक्ति में। उधर के जीव एकदम निर्मल होते हैं, शुद्ध होते हैं हृदय में, और नित्य निरंतर भगवान के नामों को गाने में, कथा को सुनने में, भगवान की लीला में भाग लेने में, भगवान के दास बनकर, दासी बनकर बहुत प्रेम से रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा हो, ऑर्केस्ट्रा के डायरेक्टर हाथ हिलाता है, आपने देखा है, वो बोलता है वायलिन वाले बजाओ, तो वायलिन वाले बजाते हैं, मृदंग वाले बजाओ, मृदंग वाले बजाते हैं, ट्रम्पेट वाले बजाओ, ट्रम्पेट वाले बजाते हैं, जिनको बोला गया वो करेंगे। तो डायरेक्टर का बहुत खास काम होता है, क्योंकि सब लोगों के अलग अलग वाद्य को जोड़कर एक सुंदर म्यूजिक को निकालता है वो। मान लीजिए अगर डायरेक्टर हाथ हिला रहा है वायलिन को बजाओ, लेकिन ये मृदंग वाला बजा देता है, बोलता है कि मुझे अभी तक बोला नहीं गया, कोई मुझे देखता नहीं, मैं बजा दूंगा, तो क्या हो जाएगा? ट्यून खराब हो जाएगा ना। इस तरह भगवान के धाम में भगवान के आदेशानुसार, इच्छानुसार सब चलता है उधर भगवान के धाम में, जैसे ऑर्केस्ट्रा जैसे सुंदर तरीके से। लेकिन जो जीव मनमानी करके भगवान के धाम को छोड़ देते, इधर आते हैं इस दुनिया में, इनका सोचना क्या है? आई एम द क्रिएटर, आई एम द एंजॉयर, मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ।
ऐसे सोचना है जीवों का इस दुनिया में। जैसे एक छोटी बच्ची अपने माँ को बोलती है, माँ आप कुकिंग करके दोगी, मैं खाऊंगी, ये क्या है, मैं खुद ही कुकिंग करूंगी मैं, तो आप निकल जाओ इधर से रसोई से, आप सबके लिए मैं बना कर लेके आऊँगी। ऐसे छोटी बच्ची बोलती है, क्या माँ छोड़ देगी किचन को उसको? माँ क्या करती है, मार्केट में जाकर एक छोटा किचनेट लेके आती है बच्चे के लिए, जो खिलौना होता है, बच्चे को देती है, बोलती है चलो वो दूसरे कमरे में जाकर जो करना करो, दूसरे कमरे में भेज देती है उसको। बच्ची उधर जाकर उसको लेकर खेलती है, हम लोगों ने भी खेला है बचपन में, है ना, ऐसे कुछ किचन सेट लेकर मिट्टी को लाना, इसको लाना, उसको लाना। 12 बजे होने के बाद जब भूख लगती है, बच्ची बोलेगी माँ को, माँ अभी भूख लगी है, मैं आ गई अभी। माँ पूछेगी तुमने कुकिंग किया, क्या हुआ? वो बोला कुछ काम का नहीं है, वो कोई नहीं खा सकता, इसलिए आपके पास आई। इसी तरह हम लोग जब खुद ही निर्माण करना चाहते हैं, खुद ही भोगना चाहते हैं, ये शिक्षा लेकर हम लोग इस दुनिया में आए हैं, मैंने बहुत बड़ा इमारत खड़ा किया, मैंने एक गाड़ी बनाया, चलिए ठीक है तुमने गाड़ी बनाया, लेकिन पीछे पुस 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 करके वो कार्बन मोनोऑक्साइड को निकलता है, वो आप देख सकते हो। जो भी इंसान बनाता है वो दुखदायक है इस दुनिया में। अभी स्मार्टफोन बनाया बहुत अच्छा है, लेकिन स्मार्टफोन के गुलाम बन जाते हैं अनेक लोग, हर क्षण इसको कितना वो स्क्रीन के ऊपर आँखों के साथ देखते रहते हैं, उसका भी व्याधि होता है बहुत समय देखने से। इस दुनिया में ये जीव बहुत गर्व करता है कि हमने कुछ सृष्टि किया। प्रभुपाद ने पूछा, वैज्ञानिक लोग किसी को जान नहीं दे सकते हैं, लेकिन बम तैयार करके लोगों को मार सकते हैं, वही जीव जानता है। पहले उन्होंने मच्छर को मारने के लिए इलेक्ट्रिक बैट बनाया, रोज करने के, उसके बाद बैगन स्प्रे बनाया कॉकरोच को मारने के लिए, अभी बम बना रहे हैं मनुष्यों को मारने के लिए। मारना बहुत आसान है, लेकिन जान देना भगवान ही कर सकते हैं। तो इस दुनिया में इंसान जो भी जीव आया है, मैं सृष्टिकर्ता हूँ और मैं भोगता हूँ, इस भावना के साथ इस दुनिया में जीव आया है। तो इस तरह इस भावना के साथ जब आता है जीव, ये भी सोचता है कि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ, तो आसुरी प्रवृत्ति यही है। आसुरी प्रवृत्ति का मतलब भगवान को ना मानना और खुद ही स्वतंत्र हो जाना। जैसे छोटे बच्चे आप देखेंगे, माता पिता उसके हाथ को पकड़ कर लेके जाते हैं, लेकिन बच्चे को अच्छा नहीं लगता, करेक्ट है ना, हमको लगता है कि थोड़ा घूमने जाए के लिए छोड़ दो हमको, खुद हमको भागना है, दौड़ना है, घूमना है कहीं भी। अगर किसी जुलूस में, नहीं तो किसी मेला में अगर बच्चा घूम गया, खेला कुछ समय के लिए, उसके बाद रोने लगेगा, अरे माँ दिख नहीं रहे हैं, पिताजी किधर है, माता किधर है। नहीं तो अगर बच्चा माँ बाप को छोड़कर सड़क में चला जाएगा, तो हाथी आएगा, नहीं तो ट्रक आएगा, डर जाएगा वो। इस तरह हम भी परम भगवान राधा कृष्ण हैं, उनके हाथ को छोड़कर इधर आ चुके हैं, इधर आने के बाद हम लोग रो रहे हैं, अरे किधर आ गया, मैं बड़ा गलती कर दिया मैं, तो बिछड़ कर आने से प्रॉब्लम होता है। एक बार मैंने ऐसे प्रश्न पूछ दिया, अगर आपको कुत्ता बनना हो क्या बनोगे, गली का कुत्ता बनोगे नहीं तो मालिक का कुत्ता बनोगे? अनेक विद्यार्थी हाथ ऊपर किया गली का कुत्ता बनने के लिए। हमने पूछा क्यों, वो लोग बोले प्रभु जी वो तो एकदम स्वतंत्र है, कहीं भी घूम सकता है, काम सकता है, उसके पीछे पड़ने वाले कोई नहीं है, उसको मालिक को काम नहीं देना होता है, इंडिपेंडेंट रह सकता है। मैंने बोला अरे मूर्ख, गली के कुत्ते को लोग पत्थर मारते हैं, उसको खाने के लिए भोजन नहीं मिलता, रहने के लिए घर भी नहीं है, कोई सुरक्षा देने वाले मालिक भी नहीं उसको, तो आप लोग गली का क्यों बनना चाहते हो? म्यूनसिपालिटी वैन आकर उसको पकड़ कर लेके जाएगा, जाकर गिर जंगल में शेरों को दे देगा खाने के लिए ना? तो इसके बदले अगर आप मालिक के कुत्ता बनोगे, तो मालिक कभी कभी आप देखते हो कि गाड़ी में अच्छा उसको लेके जाएगा कुत्ते को, कभी कभी अच्छा कास्टली बिस्किट भी खिलाता है उसको, मालिक के साथ घर में अच्छा रहता हो, थोड़ा सेवा करना पड़ता है, एक न्यूज़पेपर उठाकर लेकर दे दो मालिक को, करेक्ट है ना?
उसके बाद सब लोग मालिक के कुत्ते के साइड में आ गए ये सुनने के बाद। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत में गा रहे हैं, सर्वस्व तो मार चरणे संपिया पोड़े ची तो मार घरे तुम्हें तो ठाकुर तो मार कुकुर बोलिया जाना हमारे। ऐसे गीत में गाते हैं बहुत सुंदर गीत है। सर्वस्व तुमार चरणे संपिया ओडे की तुमार घरे तुम्हें तो ठाकुर तुमार कुकुर बोलिया जाना हमारे। बोले सर्वस्व तुमार चरणे संपिया ओडे की तुमार घरे तुम्हें तो ठाकुर तुमार कुकुर बोलिया जाना बलिया निकटे हमारे पाली रे रोहे तुमार द्वारे बंदिया निकटे हमारे पाली रे रोहे तुमार द्वारे प्रति पद रे अस तेना देवो राखे वो गड़े रफारे तवने दगन प्रसाद से दिया उच्चिष्ट राखी रे यहाँ हमारा भोजन परम आनंदे प्रतिदिन हवे ताहा हमारा भोजन परम आनंदे खुशिया सुइया तुमार चरण चिंती व सतत आवे नाचते नाचते निकटे जाइबो रखो न डाकी रे तुमी जेरा पोषण कबुना भावी गो रोही वो भावेर भरे जेरा पोषण कबुना भावी गो कते विनोद तुम्हारे पालक बोलिया वरण कोरे ठाकुर गा रहे हैं हे भगवान मैं आपके मंदिर में एक कुत्ता बनकर आपके श्री चरण में पड़े रहूंगा आप जो खाकर जो भी उच्चिष्ट दोगे वही खाऊंगा और नास्तिक लोग जो आपके विरुद्ध बात करते हैं उनके कुतर्क को तोड़ दूंगा और हमेशा आपके आरती देखने के लिए आतुर रहूँगा जब आरती होता है मैं भागते हुए आऊँगा मैं नाचूँगा आपकी आरती में गाऊँगा और आपके दास बनकर आजीवन रहूँगा आपके पास। इस तरह अपने आप को एक कृष्ण के कुत्ते के रूप में प्रस्तुत करते हैं हमारे एक आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर।
तो एक प्रभुपाद जी स्तोत्र रत्न से गीत गाते थे, भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरः प्रशांत निशेष मनोरथांतरः कदाहमैकांतिक नित्य किंकरः प्रहर्षयिष्यामि सनात जीवितम्। हे भगवान, आपके श्री चरणों को छोड़कर अनाथ होकर भटकने वाले जीवों को इस दुनिया में शांति नहीं, सुख नहीं, आनंद नहीं, लेकिन हमेशा आपके श्री चरणों में आश्रित जन जो आपके नाम रटते हैं, आपके गाना गाते हैं, आपके दिए हुए विधि विधानों को गीता भागवत से पढ़कर अपने जीवन में उतारते हैं, आपकी खुशी के लिए जीवन जीते हैं, आपके लीलाओं को, लीला चेष्टाओं को श्रवण करके उसमें ही रमते हैं, ऐसे आपके श्री चरणों में आश्रित भक्त जन वो सनात बन जाते हैं, वो अनाथ नहीं रहते। इस तरह स्तोत्र में बताया गया है। तो हमको क्या बनना, अनाथ बनना, सनात बनना है। सनात, सनात मतलब हमारे स्वामी हैं, भगवान को स्वामी के रूप में जो स्वीकारा है। ये देखिए, एक व्यक्ति के पास एक अंगूठी थी, सोने का अंगूठी थी, वो सोने की अंगूठी के ऊपर एक नीलमणि रखा गया था, स्टडेड विद ब्लू, यू नो, ब्लू स्टोन, ब्लू डायमंड, देखने में एकदम खूबसूरत दिखा। लेकिन एक दिन वो ब्लू डायमंड जो था उसके ऊपर, उसको निकाल दिया उसने। निकालने से क्या हुआ, वो सोने का जो अंगूठी था उसमें एक डिप्रेशन आ गया, क्योंकि उसको निकाल दिया ना, उसके स्टोन को निकाल दिया आपने। इसी तरह से एक जीव को सोने के अंगूठी से तुलना किया है, और जीव अपने हृदय में नीलमणि भगवान कृष्ण को धारण करता है, अगर कृष्ण को निकाल दिया तो उसके हृदय में डिप्रेशन आ जाता है, समझा ना आपने। इसलिए लोग डिप्रेशन से क्यों पीड़ित हैं इस कलयुग में, भगवान के आश्रय नहीं हैं तो जीव सब भयभीत होकर रहते हैं इस दुनिया में। जब भगवान प्राप्त होते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद था 5 वयस का, लेकिन लेश मात्र भी भय नहीं उसमें है, हर क्षण वो भगवान के चिंतन में, स्मरण में रहता था वो। जब आज के ही शाम के समय उसके पिताजी ने ऐसे उसको डराया कि आज तक प्रहलाद तुमको कोई मार नहीं सका, तो मैं खुद ही एक तलवार लेकर तुमको तुम्हारे गर्दन अलग कर दूंगा। उस समय प्रहलाद रोया नहीं, उधर से भागा नहीं, दूसरा तलवार लेकर लड़ाई भी नहीं किया, बेहोश होकर गिर भी नहीं पड़ा, पुलिस के पास भी नहीं गया, महल के पीछे के दरवाजे भाग नहीं गया, साहस के साथ खड़ा था ऐसे ही सामने मुस्कुराते हुए देखकर। उसको अटूट विश्वास था कि अगर भगवान चाहते हैं कि मुझे मरना हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, अगर भगवान चाहते हैं कि मुझे बचाना हो मैं बच जाऊँगा, राके कृष्ण हमारे के, हमारे कृष्ण राके के, ऐसे प्रहलाद का साहस था। तो हिरण्यकश्यप भी बहुत दंग रह गया उसको देखकर इस तरह। तो इसलिए भगवान का नाम है अभय चरणार विंदरे। तो मैं बता रहा था आपको, ये आसुरी जीव जो हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले जीव, वो सोचते हैं कि मैं सृष्टि करूँगा, मैं भोग करूँगा, मैं स्वतंत्र होकर रहूँगा। तो एक बार प्रभुपाद जी गए थे टोक्यो में, एक मंदिर का भक्त था, मंदिर छोड़कर वो जाकर स्टेशन में रहता था। प्रभुपाद ने पूछा उसको, हे मैं आया हूँ घर के, तुम आए हो मंदिर में, लेकिन मैंने सुना कि आजकल तुम मंदिर में रहते नहीं, क्यों? वो बोला, प्रभुपाद भक्तों के साथ झगड़ा हो गया, इसलिए हम स्टेशन में जाकर रहते हैं। प्रभुपाद ने पूछा उनको, खुश हो क्या? वो बोला, पुलिस लोग आ जाते हैं, लाठी लेकर भगाते हैं, ये प्लेटफॉर्म से उधर, उधर से इधर जाता हूँ, खुश नहीं हो, बोला। प्रभुपाद ने बोला, देखो तुम स्वतंत्र होकर खुश नहीं हो, लेकिन भक्तों के साथ सहयोग देते हुए रहोगे तो खुशी से रह सकते हो। इधर क्यों नहीं आते? क्योंकि अहंकार को वो छोड़ नहीं पाया। तो इस दुनिया में हम लोग अहंकार के वश में आकर बिछड़ कर अनेक तरह की यातनाओं को हम सामना करते हैं इस दुनिया में। तो इस तरह प्रहलाद और हिरण्यकश्यप, ये दोनों के कैरेक्टर के बारे में हम 7वें स्कंद में पढ़ते हैं।
तो प्रभुपाद जी लिखते हैं उनके एक तात्पर्य में, ये प्रभुपाद जी की शीर्षोपनिषद है, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं इन दोनों में क्या फर्क है। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं इस दुनिया में ऐसे एक व्यवस्था करूंगा जिससे मैं हमेशा के लिए जीता रहूंगा, कभी भी नहीं मरूंगा। आजकल भी वैज्ञानिक लोग अस्पताल में हमारे आयु को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय रखा है, जैसे वेंटिलेटर डालकर मुंह में और भी थोड़ा आयु की अवधि को बढ़ाते हैं, हो सकता है 1-2 साल बढ़ाते हैं। अगर किसी को कुछ व्याधि, मान लीजिए किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, आर्टरी ब्लॉक हो गया, तो उसको कुछ स्टंट डालते हैं, करेक्ट है ना, स्टंट डालकर और भी 10-20 साल इसकी आयु बढ़ाओ, ऐसे करते हैं। अगर किसी का हार्ट काम ही नहीं करता ठीक तरह से, उसको निकाल कर दूसरा हार्ट, उसको क्या बोलते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी, ऐसे करते हैं उनको। क्योंकि एक मशीन पार्ट को, यह भी मशीन ही है ना, शरीर एक यंत्र है, उसमें एक यंत्र को निकाल कर बदल दो। जैसे आपके साइकिल में कुछ टायर बर्स्ट हो गया तो नया टायर बदलते हो, इस तरह शरीर में भी एक हार्ट काम नहीं करता क्या, ठीक है बदल दो उसको। हाथ टूट गया क्या, एक आर्टिफिशियल हाथ फिट कर दो। टांग टूट गया क्या, क्या ठीक है उसका दूसरा फिट कर दो, करेक्ट है ना। इसी तरह करते करते इंसान सोचता है कि हम आयु को बढ़ाते रहेंगे, तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि आयु को थोड़ा बढ़ाने के बदले हम इधर ही रहेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि इधर भगवान की शरण नहीं जाना है, क्योंकि भगवान के धाम में जाओगे तो उधर शरण जाना है, भगवान की आधीनता में रहना, हम इधर ही रहेंगे, हम खुद ही भगवान बनकर रहेंगे हम, ऐसे उनका योजना था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की खुशी के लिए तपस्या की, कठोर तपस्या मंदार पर्वत में, ऐसे तपस्या करके कठोर 36,000 ईयर्स 100 देवताओं के साल किया उन्होंने तपस्या। उसके बाद ऐसे वरदान मांगा, लगभग प्राय वह अमरत्व की समान ही है। इसको ऑफ कर देना, इसको ऑफ कर देना, ऑफ कर, यू नो। उसने बोला कि महल के अंदर नहीं, महल के बाहर नहीं, आसमान में नहीं, जमीन में नहीं, मनुष्य से नहीं, जानवर से नहीं, किसी भी देवता से भी नहीं, किसी भी आयु से नहीं। इस तरह उन्होंने ऐसे वरदान मांगा, ब्रह्मा जी भी देते गए, ऑल राइट बोलते गए, हैं ले लो। बाद में ब्रह्मा को पता चला कि इसने धोखा दे दिया मुझे, लगता है कि इसको कोई नहीं मार सकता है, अभी बलशाली बन गया, त्रिलोक अधिपति बन गया, उत्पात मचाने लगा हो, बड़ा भौतिकवादी होकर। आज तक इस दुनिया ने ऐसे भौतिकवादी को देखा नहीं है, क्योंकि अगर आजकल थोड़ा गर्मी बढ़ गया तो हम लोग एयर कंडीशन लगाते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज बताते, हिरण्यकश्यप अपने भ्रुकुटियों को हिलाकर सूर्य के टेम्परेचर को कम कर सकता था, सूर्य को डरा था, आए कम करो इतना क्यों धूप कड़ी हो गई, तो सूर्य तुरंत सलाह मार कर बोलता सॉरी सर, वो कम करता था अपना ताप को कम करता था, ऐसा उसका कंट्रोल था। शाम के टाइम अगर पार्क में गया ऊपर बादलों को बोलता था आए हल्का बारिश, तुरंत उसको हल्का बारिश मिलता था। उसको भूमि को भी बोला निकालो अभी आम, अभी निकालो एप्पल, निकालो अलग अलग फ्रूट को मांगता था वो, धरती भी देती थी डर के मारे ऐसे। तो आप लोगों को शंका होगा ऐसे हो सकता है क्या, लेकिन आजकल आप देखेंगे वैज्ञानिक लोग अनेक चीज बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। उदाहरण के लिए आम का पेड़ पहले चढ़ना पड़ता था, आजकल उसको कुछ मॉडिफिकेशन करके छोटा आम का पेड़ बना दिया, कितने लोगों ने देखा छोटा आम का पेड़, करेक्ट है ना, ऐसे ही उसको निकाल सकते हैं। उसका मतलब वो वैज्ञानिक को भी हिरण्यकश्यप के पद में चल रहे हैं, क्योंकि वो भी प्रकृति को तोड़ फोड़ कर, अभी देखिए वाटरमेलन राउंड राउंड होता है, उसको लारी में फिट कर देते, सोचा कि इतना गैप प्राप्त हो जाता है भाई। अभी उन्होंने क्या किया बायोटेक्नोलॉजी में,
उसको अभी स्क्वायर कर दो, अभी ऐसे करके फिट करते हैं, मालूम है आपको। तो इस तरह प्रकृति में अनेक तरीके के बदलाव कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग भी। इसका मतलब है इसी तरह आपने देखा होगा कद्दू जो है, इतना छोटा कद्दू, उसको ऑक्सीजन इंजेक्शन दे दिया, इतना लंबा हो जाता है। तो हिरण्यकश्यप ऐसे किया उसने, प्रकृति को तोड़ फोड़ कर प्रकृति से डिमांड करके लिया। तो आजकल के लोग भी हिरण्यकश्यप जैसे एक भौतिकतावादी सिविलाइजेशन है। तो भौतिक सभ्यता का मतलब क्या है, हम भगवान को भी शरण नहीं जाएंगे और भौतिक दुनिया में भी दुख को भी नहीं भोगेंगे। हाँ, दोनों नहीं चाहिए हमको, शरण भी नहीं चाहिए, हमको दुख भी नहीं भोगना है, हमको मस्ती में रहना है, मौज मस्ती में रहना है, लेकिन शरण भी नहीं जाना है। एक ऐसा है, मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा, पढ़ाई भी नहीं करूंगा, फेल भी नहीं होऊंगा, कॉपी करके मार्क लाऊंगा, ऐसा है, कुछ भी नहीं पढ़ाई करेंगे। ये भौतिकतावादी का फॉर्मूला ऐसा है, आप देख सकते हैं हिरण्यकश्यप का ऐसा ही है। उसको शरण भी नहीं जाना है भगवान की, लेकिन दुख भी नहीं भोगना है उसको, मनमानी करूंगा लेकिन मनमानी करके खुशी से भी रहूंगा, ये प्रोग्राम था उसका। तो कभी कभी भौतिकवादी लोग धार्मिक भी बन जाएंगे, आपको आश्चर्य होगा, अच्छा क्यों? क्योंकि उनकी धार्मिकता सिर्फ भौतिक प्राप्ति को बढ़ाने के लिए। ऐसे अनेक लोग मंदिरों में जाते हैं, भगवान के साथ बिजनेस करते हैं, बोलते हैं कि बालाजी अगर आप मुझे 10 लाख दोगे तो आपको 2 लाख दे दूंगा, है ऐसे बिजनेस करते हैं। आप पूछेंगे प्रभु जी मंदिर में जाते हैं भगवान से मांगने में क्या गलती है? ऐसे एक भक्त ने पूछा मुझे, भगवान तो मेरे पिता हैं, पिता से मांग कर लेने में बच्चे को क्या गलती है? पिता नहीं देंगे तो और कौन देगा उसको, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन ये सोचने की बात है, एक बार 8वीं कक्षा के 4-5 बच्चों को देखा मैंने, एक बच्चे को पूछा कि अरे आप लोग तीव्रता से पढ़ाई कर रहे हो, क्यों इतना गंभीरता से पढ़ रहे हो? एक बच्चा बोला, प्रभु जी नहीं तो पिताजी पिटाई करेंगे, इसलिए पढ़ रहा हूँ। दूसरा वाला बोला, प्रभु जी पिताजी ने बोला अगर मैं फर्स्ट रैंक लाऊंगा तो मुझे पल्सर बाइक देंगे, उसको बाइक चाहिए। वो बोल रहा है कि मैं पढ़ते समय भी बाइक याद आ रहा है उनको, ऐसे। तीसरा वाला बोला, क्या करे प्रभु जी पढ़ना ही पड़ता है, पिताजी माता पिता ने पैसा भरा है स्कूल में, नोटबुक दिया है, किताब दिया है, फिर क्या करे, पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन चौथा वाला बोला, मैं माता पिता के चेहरे में एक मुस्कान देखना चाहता हूँ, उनको खुश करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। अब ये 4 लोगों में से श्रेष्ठ कौन है? कौन? दूसरा वाला, चौथा वाला, करेक्ट। चौथा वाला करेक्ट है ना। इस तरह कुछ लोगों को पूछो, अरे तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो? ओ प्रभु जी हमको नरक में नहीं जाना है, इसलिए। तो डर के मारे वो लोग अभ्यास करते हैं कुछ लोग। और किसी और को पूछो भगवान की पूजा क्यों करते हो? अरे भगवान इतने अच्छे हैं, जो मांगते हो दे देते हैं, भगवान के पास लिस्ट दिखाने का और वो दे देंगे, इसलिए। अनेक चीज मांगने के लिए कुछ लोग जाते हैं, जैसे उसको बाइक चाहिए था उसको, इसी तरह। तीसरे वाले लोग हैं, वो सोचते हैं कि भगवान को हाजिर देना है, मंदिर में जाओ सलाम करके आ जाओ, भगवान को बोलो कि सब ठीक ठाक है, थैंक यू बोलकर आ जाओ। लेकिन चौथा व्यक्ति सोचता है, अरे भगवान मेरे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान ही मेरे माता है, भगवान ही मेरे पिता है, भगवान ही मेरे बंधु है, भगवान ही मेरी शिक्षा है, भगवान ही मेरे द्रविण है, भगवान मेरे प्राण है, भगवान मेरे लिए सब कुछ है। उनकी नाम यश लीला इत्यादि की गान किए बिना हमारे जीवन में क्या रखा है इस दुनिया में? ऐसे भगवान की सान्निध्यता को भूल कर मैं मूर्ख होकर बहिर्मुख होकर इस दुनिया में आया हूँ, तो उनको उनकी शिचरणों को प्राप्त करके उनकी सेवा देना ही मेरे लिए परम आनंददायक है। जैसे हनुमान, हनुमान हर क्षण भगवान रामचंद्र का नाम लेता रहता है, और कहीं भी नाम लिया जाता है उस स्थान में पहुंच जाता है हनुमान, और सेवा में उसका आनंद है।
तो भक्त लोगों का भी आनंद भगवान की सेवा में है। तो आप पूछेंगे, ठीक है प्रभु जी, सेवा तो हम भी करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हमको चाहिए, हम नहीं मांगेंगे तो भगवान को कैसे पता चलेगा, ऐसे कुछ लोग पूछते हैं। लेकिन भक्त का विश्वास है कि जिस तरह एक छोटे बच्चा होता है, 5 महीने 6 महीने का बच्चा, अगर ठंडी का मौसम आता है तो स्वेटर खरीदना माता पिता का काम होता है। क्या बच्चा पूछता है माता पिता को, मम्मा अभी ठंडी का मौसम शुरू होने वाला है, आप स्वेटर देंगे कि नहीं, क्या पूछेगा वो? आपने पूछा माँ को कभी? माँ अपने आप दिया, करेक्ट है ना? हाँ। तो भक्त को विश्वास है कि मेरी जरूरत क्या है भगवान को मालूम है, अच्छा जानते हैं, और भगवान देते हैं तो मेरे लिए अच्छा है, अगर भगवान नहीं दे रहे हैं तो वो भी अच्छा है, क्योंकि अगर कुछ मुझे भगवान देंगे उसका दुष्प्रयोग भी मैं कर सकता हूँ, है ना? इसलिए भगवान जानते हैं मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। पृथु महाराज ने 34 स्कंद में भगवान को बोला, भगवान ने पूछा पृथु बताओ तुमको क्या चाहिए, वो बोला भगवान मैं पूछूंगा नहीं कुछ आपसे, क्योंकि अगर मांग लूंगा कुछ गलत चीज बाद में वो गलत चीज मुझे तकलीफ देगा, आप तो मेरे पिता जैसे हैं, आप जानते हैं मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, आप जो देंगे मैं स्वीकारूंगा, ऐसे बोला उन्होंने। तो प्रहलाद भी इस तरह की दैवी भावना था उनमें, लेकिन उसके पिताजी हिरण्यकश्यप के पास आसुरी प्रवृत्ति, जो भौतिकतावादी की प्रवृत्ति थी। तो ये भौतिक लोगों का सोचना है, हम इस दुनिया में हमेशा के लिए रहेंगे। हम एक गांव में उनके एक उनका बेटा हमारे क्लासेस में आता था, उनके पिताजी ने बोला कि हमको 80 लाख में एक घर बांधना है गांव में। तो ये लड़का बोला अमेरिका गया कमा कर आया, पिताजी को दिया, उनके गांव में सब झोपड़ी में रहते हैं, इनका घर राजमहल जैसा है, और ऐसे कमाकर घर बांधने के लिए उनको 20-25 साल हो गया उनका, धीरे धीरे कमा कर। लेकिन घर बांधने के बाद 1 साल के बाद वो जुट गया वो व्यक्ति। तो ऐसे घर बांधने में क्या मतलब? प्रभुपाद जी अमेरिका में चल रहे थे शिष्यों के साथ, एक घर के बाहर एक बड़ा पेड़ था और पेड़ का डाली ऐसे घर को छू रहा था। ऐसे प्रभुपाद ने बोला कि पूर्व जन्म में इसने घर बांधा, अभी पेड़ बन गया, अभी क्या कर रहा, घर को छूकर बोल रहा कि मेरा घर है, हमने पहले बांधा है, छू तो रखा है उसको, लेकिन ठंडी में और गर्मी में उसको बाहर ही रहना पड़ता है उसको। इस तरह आत्मा देहांतरित होता है, एक शरीर छोड़कर दूसरे में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम एक संसारे कल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे कृष्णा हे मुरारे, मैं बार बार अलग अलग माँ के योनियों में जन्म लेता हूँ, कितने बार ये चक्कर चलते रहने वाला है, ऐसे जेंट व्हील होता है, कभी हम राजा बनते हैं, कभी प्रजा बनते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी कुत्ते बिल्ली बनते हैं, कभी देवता बनते हैं, कभी कुछ चींटी बनते हैं, ये कभी कभी अलग अलग योनियों में मैं घूम रहा हूँ, ये कितने जन्म इस तरह चलते रहने वाला है। इसका जवाब क्या है? जब तक हम भगवान को भूलकर अपने खुद की इच्छाओं को लेकर इस दुनिया में स्वामित्व जमाने के लिए भटक रहते हैं, पर उस समय तक हमको देह मिलता रहता है। ये देह क्यों दिया गया है? क्योंकि हम जिस तरह मैंने बताया, इस दुनिया में ही हम अपना काम चलाना चाहते हैं स्वतंत्र होकर, इसलिए दिया गया है। इसलिए अगर एक व्यक्ति को खुश होना हो, शाश्वतता प्राप्त करना हो, तो भगवान बताते हैं वो इस दुनिया में नहीं होगा। वो 15वां अध्याय पढ़िए पुरुषोत्तम योग भगवद गीता में, भगवान बताते हैं निर्मान मोहाजित संग दोष आध्यात्म नित्याविनिवृत्त काम द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुख सज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत्। भगवान बताते हैं कि इन योग्यताओं को तुम हासिल करोगे, तुम उस धाम में लौट जाओगे जिधर से तुम वापस नहीं आओगे। जैसे तुकाराम गए इधर, तुकाराम बीच से विदेहू में एक स्थान है, वो वैकुंठ गमन हुआ उनका। प्रहलाद का भी वैकुंठ गमन होता है, ध्रुव महाराज का भी, ऋतु महाराज का भी है। तो वैकुंठ ऐसे स्थान है जिधर जाने से एक जीव वापस नहीं लौट आता,
उधर परम आनंद को प्राप्त करता है, शाश्वत जीवन उधर ही है, इस दुनिया में नहीं। और उसके बारे में किधर हमको जानकारी मिलेगा, गीता भागवत में पढ़कर उसको जीवन में उतारने से हम शाश्वतता प्राप्त करेंगे। प्रहलाद ने किया इसे, लेकिन भगवान खुद भी शास्त्र देते हैं, अपने शुद्ध भक्तों को भी भेजते हैं। जिधर भी आपको रुचि है भगवान भक्तों को भेज देंगे। जैसे नारद मुनि को भगवान ने भेज दिया प्रहलाद को उपदेश देने के लिए, उस उपदेश को सुनकर प्रहलाद जग गया, प्रहलाद समझ गया सब बात सही ढंग से। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नश्वर है, आत्मा अजर है, अमर है, हम पुनर्जन्म का इस तरह का आवागमन हो रहा है। भगवान हरि की भक्ति से ही जीव अपने असली शाश्वत स्थिति को प्राप्त कर सकता है, ये खुद भी जान लिया, अपने मित्रों को भी समझा दिया। लेकिन ये हिरण्यकश्यप जो है, हिरण्यकश्यप इस दुनिया में रहना चाहा लेकिन दुख नहीं चाहा। देखिए हम लोग जानते हैं आजकल धूप बहुत कड़ी है, करेक्ट है ना, इसी तरह कभी कभी मच्छर भी काटते हैं हमको, हम भी मच्छर को एक इलेक्ट्रिक बैट लेकर रोस्ट भी करते हैं, हम तकलीफ देते हैं मच्छर को, मच्छर तकलीफ देता है हमको। ऑफिस में भी एक व्यक्ति दूसरे को तकलीफ देता है और वो भी इसको देता है। ये दुनिया ऐसा दुनिया है कि सब जीव एक दूसरे को डराते हैं, तकलीफ देते हैं, क्योंकि भौतिक दुनिया है, क्योंकि केंद्र बिंदु भगवान नहीं है इस दुनिया में। केंद्र बिंदु कौन है? फिर हर जीव अपने आप को केंद्र बिंदु बनाना चाहता है, जैसे हिरण्यकश्यप। तो अगर दुख हो रहा है उसका भी कुछ मूलभूत कारण होगा। उदाहरण के लिए अगर आपको बुखार होता है, बुखार होना अच्छा है कि खराब है? अगर बुखार होते समय आपका शरीर गर्म हो जाता है, जिगवा में कड़वापन होता है, और आपको खाने पीने में मुश्किल होता है, आप सूप पीते हो इसे, मतलब आप तुरंत डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर टेम्परेचर बढ़ गया है 103-104 जो भी हुआ, और दवाई देगा आपको ठीक हो जाएगा। इसी तरह इस दुनिया में कितने लोगों को समझ में आ गया कि इस दुनिया में दुख है, कितने लोग समझ गए? करेक्ट। तो समझते ही तुरंत गुरु के पास पहुंच जाना चाहिए, वही डॉक्टर है, आध्यात्मिक डॉक्टर, और वो दवाई क्या देंगे आपको? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो वो दे देंगे आपको वो दवाई खाकर धीरे धीरे हम लोग स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं इसे। नहीं तो अगर इस दवाई, हरे कृष्ण का दवाई और शास्त्रों का पठन नहीं करेंगे, हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हमारा शरीर बचपन से युवक, युवक से बुढ़ापा, उसके बाद मृत्यु, हर अवस्था में हम लोग दुखित होते हैं। इधर कोई है, कोई बुढ़ापा चाहेगा, कोई व्याधि चाहेगा, कोई मृत्यु चाहेगा, तो कोई दादाजी मरते हैं, अम्मा मरते हैं, माता मरती है, पिता मरते हैं, तो हर बार जीव रोता है दुनिया में। जिन लोगों को प्रेम करता है उनसे बिछड़ जाता है, जो पैसा बहुत कसरत करके अर्जित किया वो छूट जाता है, जिस शरीर को जिम में जाकर अच्छा अट्टा कट्टा बनाया उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो आप देखेंगे इतना इस दुनिया में जितना भी चीजों को आप विघटित करते हुए एक एक करके छूटते हुए जीव रोता है, लेकिन वो जीव को असली ज्ञान शास्त्र में मिलता है। मृत्यु भी बड़ी बात नहीं है, मृत्यु क्या है? एक शरीर छोड़कर दूसरा प्राप्त करना, जैसे एक कीड़ा एक पत्ते को छोड़कर दूसरे पत्ते में चढ़ता हो, इस तरह आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरा स्वीकारता है। नहीं तो हम लोग एक पोशाक को उतार कर अगले दिन नया पोशाक बांधते हैं, भगवान बताते हैं इसे। लेकिन जो इस बात को समझ लेते हैं कि ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है शरीर का, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, मैंने बोला इसी तरह भौतिकता को बढ़ाना टेम्परेचर बढ़ाने के बराबर है। आप देखेंगे प्रभुपाद जी अमेरिका जब गए, देखा कि उधर रोड सड़क बहुत बड़े सड़क हैं, इमारत बहुत ऊंचे हैं, सुख सुविधा अनेक हैं, स्त्री पुरुष सब लोग बहुत खूबसूरत हैं, अच्छा शरीर है उनकी, पढ़ाई भी बहुत अच्छा है, भोजन भी अच्छा है, बहुत लंबा आकार है उनकी, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन प्रभुपाद ने देखा कि अनेक लोग उधर आत्महत्या कर रहे हैं, और अनेक लोग साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, और अनेक विवाह घटस्फोट में अंत हो रहे हैं। तो प्रभुपाद ने उनको पूछा कि आप लोगों का क्या समस्या है? देखो सब कुछ है आपके पास, फिर भी आप खुश नहीं हो, इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनका जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय भोग।
भोग से रोग होता है, क्योंकि आप देखेंगे अगर गुलाब जामुन दो के बदले अगर आपने 5 खाया, 10 खाया, 20 खाया, जरूर रोग होगा कि नहीं, करेक्ट है? तो भगवान ने एक लिमिट सेट किया आपके इंद्र तृप्ति के लिए। जैसे आप सब्जी में नमक डालते हो, जितना नमक चाहिए उतना ही डालना चाहिए, करेक्ट है? बहुत ज्यादा नमक डालते तो सब्जी अच्छा लगेगा नहीं, अगर नमक है ही नहीं तो अच्छा लगेगा, उचित डालना चाहिए। इसी तरह इंद्रिय तृप्ति भी भगवान ने आपको अनुमति दिया है, कितना इंद्रिय तृप्ति आप ले सकते हो ना। जैसे अगर किसी को विवाह करना हो तो विवाह करके बच्चा पैदा करो, बच्चों को बड़ा करो, पति पत्नी बच्चे कृष्ण भावना भावित हो जाओ, भगवत नाम लौट चलो, उसके लिए अनुमति है। लेकिन एक व्यक्ति विवाहित व्यक्ति है फिर भी कुछ कॉलेज के स्त्रियों को देख रहा है, वो है मुड़कर उसको तपड़ मिलेगा उसको, राइट है ना? उसका मतलब है ये लोभ है, राइट है ना? जो निषिद्ध आचार्य है उस तरह। इसी तरह शाकाहारी भोजन खाओ, उसको भी भगवान को भोग चढ़ाकर प्रसाद के रूप में खाओ, वो भी इतने मात्रा में खाओ जिससे आप तंदुरुस्त रहोगे और सेवा कर पाओगे। अगर प्रसाद भी प्रचुर मात्रा में का डालता है कोई व्यक्ति, उसको भी व्याधि होता है, करेक्ट है? तो इस तरह भगवान शास्त्र में बताते हैं कि इस दुनिया में इंद्रिय तर्पण के पीछे सब जीव पड़ते हैं और इसके कारण हताश हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे प्रहलाद से हम सीख सकते हैं, प्रहलाद सिखाता है कि अपने मित्रों को भी सिखाता है इंद्रिय तृप्ति करने के भावना को हम भोग वृत्ति बोलते हैं उसको। इसके इस भोग वृत्ति को मिटाने का एकमात्र उपाय है भगवान हरि के संबंध में दिव्य ज्ञान अर्जित करो, उससे सेवा भावना को जगाओ। क्योंकि इस दुनिया में आप देखेंगे हमारे हाथ पैर इंद्रिय हैं हमारे पास, हम उनको निष्क्रिय के स्तर पर नहीं रख सकते हैं, निष्क्रिय नहीं रख सकते हैं उनको। लेकिन अगर पांव लेकर आप मंदिर आ सकते हो, हाथ से भगवान की पूजा आराधना कर सकते हो, आंख से भगवान की दर्शन कर सकते हो, कान से कीर्तन सुन सकते हो, मुंह से प्रसाद खा सकते हो, नहीं तो कीर्तन कर सकते हो, तो नाक से भगवान के अर्पित किए हुए सेंट को सुन सकते हो, ये सब दिव्य कार्य है। इंद्रियों को भगवान की सेवा में इस तरह जुड़ने से वो दिव्य होते हैं, पवित्र होते हैं, जैसे लोहे को आग में डालने से तप जाता हो, आग जैसे बन जाता हो। प्रहलाद ने ऐसे ही किया, अपने मित्रों को भी सिखाया। इस तरह एंगेजमेंट देने से क्या होता है, हमारे विद्यार्थी आप देखेंगे इधर अच्छा धोती कुर्ता पहनते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बहुत आनंद में मग्न है। उनके सहपाठी जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो लोग डीजे में नाचते हैं उधर, मालूम है, करेक्ट है ना? वो 120 डेसिबल डीजे, कुछ सिनेमा गाना, कुछ बॉलीवुड हॉलीवुड, क्योंकि नाचना जीव का स्वाभाविक स्थिति है। प्रभुपाद जी ने गुरु पूजा में देखा ये छोटा बच्चा कूद रहा था, ऐसे जम मार रहा था। प्रभुपाद ने बोला देखो बच्चे को भी सिखाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक रूप से कूदता है कीर्तन में। अगर हम भगवान की कीर्तन में नहीं कूदेंगे तो हम डीजे में जाकर कूदेंगे, अगर भगवान को अगरबत्ती नहीं दिखाएंगे तो सिगरेट फूकेंगे बाहर जाकर, ऐसे अगर हम दूध नहीं पियेंगे भगवान की अर्पित किए हुए तो हम शराब पियेंगे, ऐसे अगर हम व्यवस्थित गृहस्थ जीवन में जुड़कर शांति से एक आदर्श गृहस्थ बनकर जीवन नहीं जीते हैं तो एक व्यक्ति अनेक पार्टनर बदलता है कुत्ते बिल्ली जैसे आजकल हम देखते हैं। तो इसलिए हमारे इंद्रियों को निग्रह करके, मन को निग्रह करके भगवान की सेवा में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम यदि पुंसार्पित विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्ये अदीतमुत्तमम। और पिताजी को बहुत साहस के साथ बोल दिया प्रहलाद ने, पिताश्री देखिए इस तरह आपके मन इंद्रियों को नवविधा भक्ति में लगाओ, वही उच्च कोटि का ज्ञान है, इस तरह उन्होंने बताया। एक्चुअली इसमें हमारे संस्था का इस्कॉन संस्था इतना अद्भुत संस्था है, प्रभुपाद जी ने सिखाया कि आपको इंद्रियों की क्रियाओं को स्टॉप नहीं करना है, उसको रोकना नहीं है। जैसे टेम्परेचर को नहीं बोल रहे कि 103 102 101 199 ऐसे नीचे नीचे लाकर जीरो बना दो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। पापा जी बोल रहे हैं कि इसमें एक संतुलन लाओ भौतिक और आध्यात्मिक का 98.6। तो इस तरह
प्रहलाद महाराज की शिक्षा से उसके उनके सब मित्र बहुत प्रभावित हुए। ये कथा बहुत लंबी है, सातवें स्कंद में फर्स्ट चैप्टर टू 10th चैप्टर, लेकिन संक्षिप्त रूप में बताया जाए, हिरण्यकशिपु तपस्या करके सारे दुनिया के लोगों को सताया उसने, और प्रहलाद उनके छोट उनके बेटा जो शुद्ध भक्त था, वो भक्ति में जिस तरह एक चुंबक के साथ एक लोहा आकर्षित होता है, इस तरह भगवान विष्णु भगवान हरि की भक्ति में वो बहुत मग्न होकर वो जीवन बिताया। तो गुरुकुल में जब हिरण्यकश्यप बच्चे को बेचा, बेचने के बाद देखा कि गुरुकुल में जाने के बाद भी ये कूटीनाटी षड्यंत्र रचाना और आर्थिक विकास नहीं तो असुरिक प्रवृत्तियों में बढ़ाना ये सब नहीं कर पाया प्रहलाद। देखा कि प्रहलाद का पूरा रुचि विष्णु में है, तो हिरण्यकश्यप को शंका हो गई। वो टीचर को बुलाकर डांटा उसने शंडामर को, अरे आप लोग मेरे द्रोही हो, आप मेरे लिए काम करते हो लेकिन मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया आपने। टीचर लोग बोले, हे राजन, कारण हम नहीं है, तुम्हारे बेटा जो है उसको स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक रूप से विष्णु की ओर भक्ति जग गई है, हम क्या करें, हमको मत कोसो, ऐसे वो लोग बोले। तो प्रहलाद दो तीन बार मिला पिताजी को, लेकिन हर बार अच्छे अच्छे श्लोक बोला जो भक्ति के संबंध में है, और पिताजी को भी उपदेश दिया उसने, पिताजी आप इस तरह के भौतिक भौतिक जीवन में लिप्त ना होकर भगवान हरि की भक्ति करो। वो सोचा कि कोई तो वैष्णव घुस गए आश्रम में, मेरे बच्चे को उपदेश दे दिया होगा, आश्रम को टाइट करो, एंट्री को उधर एक स्क्रीनिंग डिवाइस लगा दो, कोई वैष्णव को मत आलो करो अंदर, ऐसे उनको बोला। फिर भी शंडा अमर का उनको सुधारने के लिए प्रयत्न किया उन्होंने, लेकिन प्रहलाद दोपहर के समय अपने मित्रों को बुलाकर इस तरह के अच्छे अच्छे भगवान के संबंध में उपदेश देने लगा। इसलिए लीला बहुत अद्भुत लीला है, क्योंकि एक है नरोत्थम, दूसरा है नराधम, एक है भगवान के शुद्ध भक्त, दूसरा है नास्तिक, ये दो एक्सट्रीम लोगों के बारे में इस लीला में पढ़ते हैं। और इस तरह जब टीचर लोगों ने देखा कि प्रहलाद की भक्ति से प्रभावित होकर सबके सब बच्चे बदल गए, सब शुद्ध शुद्ध भक्ति में जुड़ गए, तो वो लोग हाथ ऊपर कर दिया, बोला हिरण्यकश्यप को, आपने पहले दंड दिया, हमने उसको रोकने के लिए बोला, हमने बोला कि प्रहलाद को हम बदलेंगे, लेकिन प्रहलाद को हम बदल नहीं पाए, उसने बदल दिया बच्चों को, इसलिए हम आपको सौंपा रहे हैं प्रहलाद को वापस, आप जो करना है आप करो। तो ये इधर ही लास्ट पॉइंट आता है, जब हिरण्यकश्यप ने ऐसे प्रहलाद को डांटा उसने, उसने बोला अगर शरीर में एक अंग सड़ जाता है उसको बचाकर हम नहीं रखते हैं, उसको काट देते हैं सर्जरी करके, इसी तरह मेरे ही परिवार में जन्मा है मेरा बच्चा, मेरे विरुद्ध काम कर रहा है और भगवान मेरे दुश्मन का भक्त बन रहा है, वो ऐसे उसने बोला, ऐसे बोलकर बोला कि इसलिए मैं खुद ही मिटा दूंगा तुमको, ऐसे हाथ में तलवार लेकर मारने के लिए आया प्रहलाद को। प्रहलाद देखता था कि हर प्राणी जो है वो भगवान हरि का पुत्र है, हर जीव चींटी भी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, भगवान हरि हर जीव के हृदय में जीव के साथ खड़े हैं, जीव के साथ बैठे हैं, अण अण में भी बसे हैं भगवान, वो सब जीवों को प्रेम की आंखों से देखता था, वो सबके भ्रातृवत सदृशो, इसे बताया गया कि सबके साथ भाई भाई जैसे बात करता था, बड़ों को भगवान जैसे आदर देता था वो, और गरीबों को पिताजी जैसे प्रजाना पितृवत्सल है ऐसे वो डीलिंग करता था वो। और प्रहलाद के निकट कोई भी आए उनके आनंद बढ़ता था वो, जिस तरह चंद्रमा से शीतलता बढ़ती है इस तरह प्रहलाद के चेहरे से शीतलता निकलती थी ऐसे। तो क्योंकि वो भगवान के नाम गाकर प्रेम विभोर होकर वो प्रेमाश्रु बहाता था ऐसे, तो उसके साथ संग करके अनेक लोग भक्ति में जुड़े, असुर वर्ग के लोग भी ऐसे। तो भागवत धर्म जो अभी तक हमने चर्चा की थी, तो भगवान की शुद्ध भक्ति उसको अपना कर साहसी बन गया, वो निडर हो गया प्रहलाद। उस समय हिरण्यकश्यप ने पूछा उसको
विष्णु 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 अनेक बार तुम बोलते हो, किधर है वह बताओ। वो बोला अणु अणु में है भगवान। वाले तो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड को निर्माण करते हैं और अंदर भी घुस जाते हैं, उधर अनंत कोटि अणुओं को तैयार करते हैं भगवान, उन अणु अणु में बस जाते हैं और 84 लाख योनियों में जीवों को डालते हैं और उन जीवों के साथ खुद भी जाते हैं परमात्मा के रूप में। पिताजी आप बताइए मुझे भगवान किधर नहीं है, बताइए आप। आप पूछ रहे हैं भगवान किधर है, मैं आपको पूछ रहा हूँ भगवान किधर नहीं है बताओ। ऐसे पूछा उन्होंने। किसी ने लिखा गॉड इज नो वेयर, जैसे हिरण्यकश्यप जैसे। प्रहलाद ने क्या किया, नो वेयर को काट कर दो एक लाइन बना दिया पिच में, गॉड इज नाउ हियर, ऐसे बना दिया। तो दोनों के बीच में ऐसे वाद विवाद हुई। तब प्रहलाद ने अपने पिताजी को शांत किया। उन्होंने बोला पिताजी इस दुनिया में आप भगवान को दुश्मन समझ रहे हो, भगवान दुश्मन नहीं, आपके मन ही आपके लिए दुश्मन है, मन बड़ा बदमाश है। आप मन और इंद्रियों को पहले संयमित करो। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को संयमित नहीं किया है इस दुनिया में उनका गुलाम बनकर वह बहुत दुख भोगता है। आपके पास क्या नहीं है, सारी दुनिया है, त्रिलोक अधिपति है आप, फिर भी आप तृप्त नहीं हो। देखो आप कितने उत्तेजित हो, शांत हो जाओ, ऐसे बोला। लेकिन ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप और भी नाराज हुआ। तुम मेरा बेटा, मुझे तुम उपदेश दे रहे हो, इस तरह बोला कि इस खंभ में है क्या, मैं अभी इसको तोड़ूंगा, अगर तुम्हारे भगवान बचाना तो बचाएगा तुम्हारे, देख लेते हैं। तो इस तरह उसने उस खंभ को जब तोड़ा, तब खंभ ऐसे टूटते समय बहुत बड़ा आवाज निकला, मानो आसमान से कभी बिजली गिरते हुए आप लोगों ने सुना होगा, है ना, धार 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 ऐसे सुना होगा आपने। ऐसी आवाज सुनाई दिया, जंगल में हाथी भी अपने पूंछ को दो पांव के बीच में डालकर डर के मारे जाड़ों के अंदर घुस गए वो, है? ऐसे पता है सब प्राणियां भागने लगे इधर उधर। तो ऐसे कंब टूट गए समय हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये क्या है, एक व्यक्ति देखने में सर है सिंह का और शरीर है मनुष्य का, ऐसे उन्होंने कभी देखा नहीं था। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम न मृगम न मानुषम। ये मनुष्य भी नहीं थे, जानवर भी नहीं थे, बीच वाले थे। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्यों ये कौन है, क्यों इस रूप में आया है, खंभ के अंदर से कैसे आया, खंभ बनाते समय मैंने ऐसे व्यक्ति को अंदर डाला नहीं था, किधर से निकला ऐसे व्यक्ति, बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। और खंभ से भगवान जब कूदते हुए उग्र नरसिंह रूप में, उनका उंगली ऐसे होता है वो मारने के इसमें आते हैं, जैसे मायापुर में आप लोग देखते हो ऐसे, तब भगवान ने ऐसे दहाड़ सिंह का दहाड़ नाद किया, उन्होंने सारे दुनिया कांपने लगा, सब ग्रह कांपने लगे, सब लोग कांपने लगे ऐसे उस आवाज सुनकर। तब हिरण्यकश्यप धीरे धीरे देख लिया कि लगता है कि ये मेरे ही दुश्मन है, विष्णु इस रूप में आया है, क्योंकि अभी किस समय में आया, दिन में भी नहीं रात में सायंकाल में आया। इतना ही नहीं, ये मनुष्य के रूप में भी नहीं आया है, जानवर के रूप में भी नहीं आया है, और ये मार रहा है मुझे कुछ आयुध ना लेकर, सिर्फ नख से, और सब और महल के अंदर भी नहीं। भगवान ने उसको उठाकर लेके गए वो दरवाजे के पास, दरवाजे में बैठ गए, बैठकर अपने गोद के ऊपर रखा उनको, तब समझ गया कि धरती भी नहीं आसमान भी नहीं बीच में। तो भगवान ने ब्रह्मा के दिए हुए सब शर्तों को पूर्ति किया, उन्होंने ब्रह्मा ने जो भी वरदान दी थी इसको। इससे क्या पता चलता है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम भगवान को धोखा दे सकते हैं, अब धोखा देने वाला धोखा खाएगा, करेक्ट ना। हमने ये कहानी सुना, तिरुपति में कोई व्यक्ति जाकर भगवान को बोला कि ये भगवान अगर लॉटरी में मुझे 1 लाख लग जाएगा ना, मैं आपको 50,000 दे दूंगा, ऐसे बोला। बाद में वापिस गया, बोला कि जो भी गिरेगा मैं आधा दे दूंगा आपको, ऐसे बोला।
लेकिन बाद में उसको 50,000 गिरा। उसके फ्रेंड ने पूछा, अभी 25 दे दोगे ना? वो बोला, नहीं नहीं मुझे तो लगता है कि 1,00,000 के बदले बालाजी 50 ले लिया और मुझे 50 दिया। ऐसे बोला उसने। फ्रेंड ने बोला, हे भगवान को धोखा मत दो। उसके फ्रेंड अच्छा आदमी था, बहुत उसको फोर्स किया, तुमको जाना ही पड़ेगा, 25,000 देना ही पड़ेगा ऐसे। तो फ्रेंड के प्रेशर में आकर एक दिन मान लिया, एक दिन 25,000 लेकर गया। लेकिन उधर जाने के बाद भी मन नहीं था उसको पैसा डालने के लिए। जब हुंडी की निकट आया, बोला फ्रेंड को, थोड़ा लड्डू कर लो मेरे लिए भी, हम घर लेकर जाते हैं, मैं पैसा डालकर आता हूँ। 100 रुपया डालकर आ गया। फ्रेंड ने पूछा, 25 डाला ना, 25,000? हाँ 25,000 डाल दिया, झूठ बोला ऐसे। घर पहुंच गया, अपने पत्नी बच्चों को लड्डू बंटवारा कर रहा था। उस समय अचानक उसको पता चला उसके अंगूठी गुम गया था। और अंगूठी कितना था? 24,900। वो गिर गया था उसमें, वो हुंडी में। भगवान ने उसको खींच लिया, उसको भगवान ने बोला, अरे 100 रुपया देकर कैसे निकल रहे हो तुम? भगवान को कोई धोखा देगा ना, धोखा खाएगा वो, करेक्ट है ना? मूर्खता है। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं ऐसे वरदान मांगूंगा, मैं अमरत्व को प्राप्त करूंगा इस भौतिक दुनिया में, ऐसे मूर्खता से सोचा था उसने। तो भगवान उसकी सब शर्तों को पूर्ति करते हुए भगवान इस तरह, उस समय भगवान ने उसके तव कर कमल वरे नका अद्भुत एक महत्वपूर्ण चीज हम लोगों को सीखने को है। घर था वो बड़ा भौतिकतावादी हिरण्यकशिपु, लेकिन लास्ट मिनट जब भगवान उसको वध करने वाले थे, उस समय भी वो शरण ले सकता था, करेक्ट है ना? आप देखेंगे बलि महाराज की सब संपत्ति को भगवान ने ले लिया था, उस समय बलि महाराज शरण में गया भगवान के। इसी तरह एक माया दानव करके एक व्यक्ति कांडप्रस्थ जंगल से बाहर आकर भगवान का शरण लिया, उसका भी अर्जुन का भगवान का शरण लिया। मतलब भगवान का शरण अगर कोई जीव लेता है, असुर में भी जन्मा क्यों न हो, भगवान उसको अपने भक्त के रूप में स्वीकारते हैं। जैसे विभीषण को भी, महादानव को भी, बलि महाराज को भी भगवान स्वीकारते हैं। भगवान अति कृपालु परम दयालु है। लास्ट में एक पॉइंट बोलकर मैं प्रवचन को विराम दूंगा। भगवान कैसे भक्त वत्सल है, भगवान इस दुनिया में क्यों आते हैं नरसिंह देव के रूप में? प्रहलाद को अपने प्रेम प्रकट कराने के लिए। प्रहलाद को अपने गोद में भगवान ने बिठा लिया और प्रहलाद को भगवान ने बोला कि प्रहलाद, इतने तकलीफों के बीच में भी तुमने मेरी भक्ति कभी नहीं छोड़ा, तुमने कुछ बहाना नहीं बताया, तुमने हर क्षण तुम मेरा सदा चिंतन की। एक बार हिरण्यकशिपु प्रहलाद को विविध तरीके से सताता था, जैसे एक पहाड़ से फेंकने के लिए बोला लोगों को, सर्प के एक जेल था उसके अंदर सर्पों के बीच में डाल दिया उसको, एक बार शेरों के बीच में डाल दिया। ये सब करने के बाद ही प्रहलाद मरा नहीं। एक दिन हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने बोला कि मेरे पास एक वरदान है, मैं आग के अंदर प्रवेश करके प्रहलाद को मिटाकर आ जाऊंगी, क्योंकि वो जलती नहीं थी आग के अंदर। लेकिन जब अपने गोद में लेकर वो बैठी, वो जल गई और प्रहलाद आ गया बाहर। उसके वरदान भी काम नहीं किया, क्योंकि वो शुद्ध भक्त को मारने के लिए प्रयत्न किया उसने। और एक दिन
हिरण्यकशिपु ने कोबरा का विष निकाला, आधा ग्लास भरा, एकदम काला काला था वो। अपने पत्नी कायादु को दिया, बोला कि कायादु देखो रोना मत, ये बेटे को खिला देना, ये पीकर मर जाएगा, उसको बोलना नहीं कि विष है। कायादु रो रही थी फूट फूट कर, वो बोला कि उसको डराया, चिल्लाया उसको देने के लिए बोला, तो कायादु दे दिया। प्रहलाद ने जब देखा उस काला विष को, उसमें उसको भगवान विष्णु दिख रहे थे और लेटे थे ऐसे अनंत शेष में, और लक्ष्मी जी पाद संवादन कर रही थी। तो माँ को बोला उसने, माँ आप तो मुझे अमृत पिला रही हो, ऐसे बोलकर पिया, अमृत ही बन गया वो। तो इस तरह आप देख सकते हैं, तो प्रहलाद को भगवान ने कैसे सुरक्षा प्रदान की वो भी सोचने की बात है। कैसे हर क्षण भगवान ने मार्गदर्शन दिया प्रहलाद को, साथ में रहे। उसके बाद भगवान ने ब्रह्मा को बोला कि हिरण्यकशिपु मिट गया, अभी प्रहलाद को राजा बनाओ। सारे दुनिया के राजा बने प्रहलाद। आपको मालूम है प्रहलाद जी क्या किया उन्होंने? राजा बनते ही अपने मंत्रियों को लेकर दक्षिण भारत गए। उधर एक ऋषभ हिल्स नाम का एक स्थान है मेलकोटे के निकट, उधर एक अवधूत ब्राह्मण थे, बहुत पहुंचे हुए महात्मा पुरुष थे। प्रहलाद उनके पास जाकर बैठ कर भागवत के बारे में चर्चा किया उन्होंने। प्रहलाद ने सोचा कि अगर मैं राजा बन रहा हूं, दुनिया का संत महात्माओं का संग करके सही मार्गदर्शन लेना आवश्यक है। तो वो ऐसे सत्पुरुष था वो प्रहलाद महात्मा, वो उसका उनका नाम भी आता है 12 महाजनों में, द्वादश महाजनों में आता है। तो प्रहलाद हमारे लिए एक आदर्श पात्र है, जिनकी शिक्षा को, जिनकी जीवन शैली को, जिनके उपदेशों को हम लोग गंभीरता से लेकर अपने जीवन में उतारेंगे, हम भी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें यह भी जानना चाहिए कि हमारे जीवन में आने वाले समस्याएं छोटे मोटे हैं। प्रहलाद ऐसे एक उदाहरण है जो अनेक समस्याओं के बीच में भी उन्होंने भक्ति को छोड़ा नहीं। तो मेरे गुरु महाराज के पास एक लड़का बोला, महाराज जी माता पिता बहुत सता रहे हैं इसलिए माला छोड़ दिया मैं। तो महाराज ने बोला, माता पिता सुई लेकर मारते हैं क्या तुमको? वो बोला, सुई लेकर कैसे माता पिता हमको ट्रबल करेंगे? बोला उसने। महाराज बोले, प्रहलाद को उसके पिताजी ने सैनिकों को लगाकर भाला से उसके हृदय को छेदा, ऐसे बोले। और महाराज मेरे गुरु महाराज पूछ रहे थे उसको, क्या तुम्हारे माता पिता एक पहले माले से दूसरे माले से तुमको नीचे फेंकते हैं क्या? वो बोले कि कैसे फेंकेंगे महाराज, मेरे माता पिता तो प्रेम करते हैं मुझे। महाराज बोले, प्रहलाद के पिताजी ने उसको एक बड़े पहाड़ से नीचे फेंकने के लिए बोला। तो महाराज उसको बता रहे थे कि हम लोगों के जीवन में आने वाले समस्याएं बहुत छोटे मोटे हैं, बड़े नहीं है। तो अगर हम लोग भगवान की ओर उन्मुख होकर भगवत नाम लौटना हो, जो प्रभुपाद जी के दिए हुए सरल शिक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए अपने जीवन में। तो मैं अंत में 5 चीज याद दिलाता हूँ, कुछ नए लोग भी आए हैं आज, आप लोग ये 2 चीज कीजिए जो प्रभुपाद जी बोला 5 में, ABCDE, A फॉर एसोसिएशन। जैसे आप लोग आज प्रहलाद हिरण्यकशिपु भगवान नरसिंह देव की चरित्र सुना आपने, इसी तरह इस मंदिर में अनेक कार्यक्रम होते हैं, हम रेगुलर तरीके से आना बहुत आवश्यक है। पर मुझे गोपालकृष्ण महाराज उनके शिष्यों को बोलते थे, आप हर संडे मंदिर में आओ, हमेशा भक्तों के संग में जुड़कर कुछ श्रवण करो, ये पहला चीज है। दूसरा, बी फॉर भगवदगीता एंड भागवतम स्टडी, हर दिन भगवदगीता 1 पृष्ठ पढ़ लीजिए। कितने लोग सोचते हैं कि 1 पृष्ठ 5 मिनट में पढ़ सकते हैं रोज? 5 मिनट कोई भी पढ़ सकता, 5 मिनट पास। अब सी फॉर चैंटिंग, चैंटिंग अगर माला नहीं करते हो तो 1 माला कीजिए रोज 10 मिनट के लिए, 1 राउंड फॉर 10 मिनट्स। एंड डी फॉर डिवोशनल डाइट, जो प्रसाद जो भी खाते हो याद रखो कि भगवान ने ही दिया है, कोई साइंटिस्ट नहीं दे सकता आपको भोजन। साइंटिस्ट आपको धान्य नहीं दे पाएगा, तरकारी नहीं दे पाएगा, फल नहीं दे पाएगा, वो सब भगवान निर्माण करके देते हैं। तो उनको पहले धन्यवाद दो, मुझसे ले रहे हैं। एंड ई फॉर एटिकेट्स, सर ई फॉर एंगेजमेंट इन सेवा, कुछ सेवा में जुड़िए, भगवद गीता लेकर वितरण कीजिए अपने मित्रों को,
प्रसाद लेकर वितरण कीजिए। कुछ मंदिर में भी आकर अनेक तरह की सेवा में आप जुड़ सकते हो। तो इसके साथ साथ हम चार निषेधों को भी याद रखना चाहिए। यू कैन रिमेम्बर, अवैध संघ को छोड़ना चाहिए, अवैध स्त्री संघ हो पुरुष संघ हो उसको छोड़ना चाहिए। व्यवस्थित रूप से विवाह करके एक गृहस्थ आश्रम में कोई जी सकता है, लेकिन अवैध संघ महापाप है। दूसरा है मांसाहार, पर जीवों को क्लेश देना, जैसे बकरा हो, मुर्गी हो, ऐसे प्राणियों को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान के बच्चे हैं। नो फिश मीट और एग्स, मछली नहीं, अंडा नहीं और मांस नहीं। तीसरा है नो इंटॉक्सिकेशन, का मतलब है सिगरेट नहीं, तंबाकू नहीं, शराब नहीं। इस्कॉन में भक्त लोग चाय काफी भी नहीं पीते हैं, क्योंकि कॉफी में कैफीन है और चाय में निकोटिन, ये भी ड्रग्स होते हैं उसमें है? और उससे बहुत नुकसान होता है, व्याधियां होते हैं। और चौथा है गैम्बलिंग, द्यूत क्रीडा में लूटिंग, चीटिंग, मारामारी सब होता है द्यूत क्रीडा में। तो ये चार चीजों को छोड़ना है, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यात्रा अधर्म शत्रुविदा, ये चार अधर्म के क्रियाएं हैं, इनको छोड़ने से। और पांच पॉजिटिव बोला मैंने आपको, ये भी सीढ़ी है। प्रभुपाद जी इतने सरल तरीके से सब दिया है हम लोगों को है? और अगर प्रहलाद के दैवी संपत्ति को हमको पकड़ना हो तो ये दिशा है उसके लिए है? और आसुरी दिशा में तो दुनिया के अनेक लोग जा रहे हैं, अनेक लोगों को मनुष्य जीवन का ध्येय भी मालूम नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए संस्था खड़ा की, इस कान किताबों को छापा उन्होंने, बड़े बड़े उत्सव मनाया, इसलिए इतने भक्त लोग आते हैं। और हर एक मनुष्य का कर्तव्य है कि प्रहलाद भी अपने सहपाठियों को, मित्रों को जोड़ा भक्ति में। तो इधर बैठे हुए सब भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने घर के पड़ोस में जो रहते हैं, आपके कंपनी में काम जो करते हैं, नहीं तो आपके कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इनको भी थोड़ा बहुत आपने जो सीखा है उसको सुनाइए। प्रॉपर की किताबों को आप 10-20 किताब खरीद कर रखिए अपने पास, उनको वितरण करते जाइए। अगर आपको बोलने में थोड़ा तकलीफ होता है, कैसे बोलना मालूम नहीं, तो प्रॉपर की किताबों को दीजिए। आप मंदिर से कुछ प्रसाद लेकर जाइए, उनको प्रसाद वितरण कीजिए। ये सब सरल चीजें हैं, लेकिन कलयुग का जमाना बहुत कठिन जमाना है, लेकिन आयुष बहुत कम है, 60-70-80 तक इंसान जीता है। इसलिए भगवान ने इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। जो हरिनाम का जप करेगा, गीता भागवत पढ़ेगा, शुद्ध भक्ति का मार्ग अपनाएगा, आसानी से भगवत नाम लौट सकते हैं। बहुत सरल है, सिर्फ हमको इसको पकड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। और प्रहलाद बड़ा प्रचारक बना, हम भी उनसे प्रेरणा लेकर हमारी ओर से थोड़ा योगदान दे प्रभुपाद जी के मिशन में दूसरों को जोड़कर। प्रहलाद महाराज की, नरसिंहदेव भगवान की, लीला प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की। थैंक यू वेरी मच। सैनिकों द्वारा किए गए सारे प्रयत्न निष्फल होने के बाद हिरण्य कश्यपु भयभीत होकर और नए नए प्रयत्न करता है। वह अपने पुत्रों को हाथी के पाँव के नीचे डालते हैं। वह बड़े बड़े सांपों के बीच प्रहलाद को छोड़ देता है, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं होता है। वह बड़े बड़े चोटों से, बड़े बड़े पर्वतों की चोटों से प्रहलाद को नीचे गिरा देता है, लेकिन जिसकी रक्षा को भगवान विष्णु कर रहे हैं उसे कौन मार सकता है। प्रहलाद को जहर देखकर भूखा रखकर पत्थरों से भी नहीं मार पाता है। अतः विग्रहता से वह अपनी बहन होलिका को मदद के लिए बुलाता है। माता जी बैठ जाए ना, बाकी लोग दिख नहीं रहा, आप क्यों शुभ्य शुद्ध कल शुक्राचार्य समझा कर प्रहलाद को वापस आश्रम ले जाते। वो कहते हैं कि अगर थोड़े दिन गुरु की सेवा करता है तो शास्त्र भक्ति नाम छोड़ देगा,
प्रहलाद गुरु पुत्रों के साथ आश्रम चला जाता है। प्रहलाद हमका आपके पिता को भगवान नाम की पूजा करते हैं, किंतु उनका नाम लेकर कीर्तन क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मेरे पिता पृथ्वी के शासक है परंतु भगवान नहीं, भगवान तो कोई और है। फिर भगवान कौन है? भगवान क्या करते हैं? इस संसार के मूल भगवान तो श्री नारायण है। भगवान की इच्छा से ही सृष्टि का स्थिति और प्रलय होता है। हमारे हर एक प्रयास भगवान श्री नारायण की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। और मैं आज आप सबको एक सिद्धांत बताता हूँ जो मैंने मेरे गुरु श्री नारद जी से सीखा है। ये कला तुमने नारद जी से क्या ज्ञान प्राप्त किया था? देखो मित्रों, हमारी वास्तविक पहचान ये है कि हम प्रत्येक व्यक्ति एक आत्मा है। प्रकृति भगवान की बहिरंग शक्ति का एक प्रदर्शन मात्र है। हमारी जीवन की आयु अत्यंत सीमित है। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अगर हमने हरि भजन नहीं किया तो इस जीवन को व्यर्थ मानना चाहिए। हमें तुरंत ही हरि भजन में नियुक्त हो जाना चाहिए, नहीं तो माया देवी के द्वारा देवो यात्रा को भूखते भूखते नरक में चल जाएंगे। अभी तो हम बालक है, अभी तो हमारा खेलने का समय है। भगवान की पूजा और हरि भजन तो वृद्धावस्था में किया जाता है। ऐसा नहीं है, हमारे शरीर का अंतिम समय दूर नहीं है। किसी भी समय मृत्यु हम पर आक्रमण कर सकती है, इसीलिए बचपन से ही हरि भजन शुरू कर देना चाहिए। इससे हमारी आत्मा का शुद्धिकरण तुरंत शुरू हो जाता है। तो आइए मित्रों, हम हरि भजन शुरू करते हैं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। हे दुष्पाला, तुमने अब तक तो फांसी में लटका निकी योजना बना ली है क्या? ये हम नहीं आने देंगे, हम अभी भगवान तुमको सौंप देते हैं। भूत पहला, तुम मेरी बात कभी नहीं मानते। तुम्हारी वजह से मेरी बहन होलिका भी मारी गई। तुम्हें पता है जब मुझे गुस्सा आता है तो तीनों लोग काटने लग जाते हैं, लेकिन तुम मुझसे कभी नहीं डरते। तुम्हें ये बल कहाँ से आता है? ये सुरों के राजा जो बल मुझ में है वो आप में भी है, और वही बल सब लोगों में है, और यह सारा बल सबको एक ही जगह से मिलता है, और उनकी मर्जी के बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता। कौन है वो? वो है हरि, मेरे प्यारे भगवान। अरे मूर्ख, उसका नाम बदले मेरे सामने। लगता है तेरी मृत्यु पास आने वाली है। क्या तुम मेरे हाथ से मरना चाहते हो? भगवान श्री हरि के मर्जी के बिना ना कोई जन्म ले सकता है ना कोई मर सकता है। अरे मूर्ख, बस बस, मुझे और नहीं सुनना उसके बारे में। अगर तेरे भगवान मर जाए तो मैं सामने क्यों नहीं आता? सामने कैसे आएगा, डरता जो है मुझसे। अच्छा, तो तेरे भगवान मर जाए? हाँ, तो वो खम्भे में भी होगा। बोलो, तुम चुप क्यों हो? हाँ हाँ, मेरे भगवान उस खम्भे में भी है। रुको,
Yeah.
कृष्णा।